हेलो एवरीवन, पलक अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि नीट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जो कि हमारा 13th ऑफ सितंबर को था। एंड एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स या लास्ट ईयर, इस बार रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आएगा। और अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम बिल्कुल मॉडरेट लेवल पर आया था, जिसके अंदर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी थोड़ी इजी लेवल पर आई थी। एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स थोड़ी सी मॉडरेटली थोड़ी डिफिकल्ट थी एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स। एंड स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जो एग्जाम आया उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं, मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल आया है, बिल्कुल नया कुछ आया था। बच्चों के अकॉर्डिंग इस बार जो एग्जाम था वो कोरोना की वजह से भी और वैसे भी थोड़ा ईजी आया है। हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो होती है वो आपकी मतलब एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं इस चीज पे डिपेंड करती है। तो आपके यहाँ पे जो हमारे जो अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन हुए थे, दैट इज 17 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर करा था नीट एग्जाम देने के लिए। एंड उसमें से 80-90% स्टूडेंट्स, दैट मीन 5 लाख टू 15 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है इस साल, और डिफिकल्टी लेवल भी इतना वो नहीं था, मतलब 60% ईजी बोला जा रहा है एग्जाम और 40% डिफिकल्ट बोला जा रहा है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी दैट वॉज 134, जो कि जनरल के लिए गई थी आपके नीट क्वालिफाई करने के लिए, और इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 120-130 के अराउंड जाएगी। और जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, आगे की सारी गाइडलाइंस मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अब्रॉड के लिए और कौन सी इंडिया के लिए कब आपका जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो लाइक करिए हमारे वीडियो को, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।